नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट यानी विदेश जाने, विदेश में रहने, रसने, बसने और सफल होने की क्या हथेली में योग होते हैं, जिसमें क्या रेखाएं हैं, क्या चिन्ह हैं जो दर्शाती है कि आपका सर्वाधिक विकास लाभ सब जन्म स्थान से दूर होने वाला है, पूरा किस्मत ही आपका जन्म स्थान से दूर चमकने वाला है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हथेली में पांच तरह के महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, तो आप जानिएगा कि कौन सा चिन्ह आपके हथेली में है और किस तरह से ये किस उम्र में आपको प्रभाव देने वाले हैं। तो सबसे पहले जीवन रेखा में हमें ये देखना होता है कि जीवन रेखा कहाँ जा रही है। ये शुक्र की तरफ झुक रहा है तो कोई भी इसमें बड़ा विदेश यात्रा या बड़ा लाभ नहीं होता है। अगर ये बाहर की तरफ झुक रहा है या चंद्र की तरफ जा रहा है तो ऐसे जातक का जन्म स्थान से दूर ही जाकर के रसने बसने के योग निर्मित होते हैं। लेकिन आमतौर पर इस तरीके का बायफोर्क का चिन्ह लाइफ लाइन के एंड में देखने मिले तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं और अपने जन्म स्थान को त्यागने के बाद में दूसरे किसी भी जगह जाने पर इनका भाग्य बहुत ज़्यादा चमकता है, क्योंकि किसी भी रेखा के अंत में जब दो मुखी रेखा का योग निर्मित होता है तो ये लाभ को दर्शाती है। वैसे ही जीवन रेखा आपका पूरा जीवन शैली है और ये दर्शा रहा है कि अगर आप कंफर्टेबल जोन में ही रहेंगे, किसी तरीके का प्रयत्न, प्रयास या नया काम शुरू नहीं करेंगे, नए नए जगह पर जा करके आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक आपका किस्मत चमकने वाला नहीं है। भले ही भाग्य रेखा कुछ भी हो लेकिन जीवन रेखा के अंत में ऐसे योग दर्शाते हैं कि जितना ज़्यादा ऐसे जातक यात्रा करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी, इनका विकास लगातार हो रहा होता है मानसिकता में, जीवन शैली में, रहन सहन में, सीखने समझने में, और भाग्य का सहयोग इतना अच्छा मिलता है कि सारी उपलब्धियाँ ऐसे जातकों को यात्राओं के दौरान अन्यथा जन्म स्थान से दूर जाकर मिलती है। इसीलिए आमतौर पर ऐसे जातकों के जीवन में एक से ज़्यादा जगह पर मकान देखने को मिलता है, जिसके कारण मल्टीपल रेसिडेंसीज ऐसे जातकों की क्रिएट होते हुए पाई जाती है। एक पुश्तैनी मकान होता है, अगर वो नहीं भी होता है तो एक से अधिक जगह पर अपना खुद का जमीन जायदाद मकान ऐसे जातक निश्चित रूप से क्रिएट कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी यात्रा से होने वाले लाभ और जन्म स्थान से दूर होने वाले तरक्की को दर्शाता है। दूसरा, जब आपके मणिबंध के क्षेत्र से या बिल्कुल शुक्र के नीचे से कोई ऐसी रेखा निकल जाए या इस तरीके से साइड से ऐसी रेखा निकलते आपको देखने मिलेगी तो ये है कन्फर्मेशन देती है कि जन्म स्थान से दूर ही रसना बसना रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट का ये सबसे प्रोमिनेंट साइन देखने को मिला है। इसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपकी जीवन शैली को दर्शा रहे होते हैं, घर परिवार को दर्शा रहे होते हैं, सुख सुविधा को, और यहाँ से रेखा निकल के बिल्कुल अलग चली गई है जीवन रेखा से, तो ये दर्शा रहा है कि आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, अपने घर में या घर के बाहर में, लेकिन आप अपने खुद के निर्णय से बाहर जाकर के रसने बसने वालों में से रहेंगे और जन्म स्थान से काफ़ी दूर यानी विदेश में ही जाकर के बसने के योग यह दर्शाता है। इसके बाद में अगर आपके हथेली में चंद्र की भाग्य रेखा है तो ये सर्वाधिक लाभ दूसरों के द्वारा दिलाती है, बहुत ज़्यादा सहयोग दूसरों के द्वारा दिलाती है, लेकिन ये रेखा दर्शा रही है कि अगर आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी आप बाहर तलाश रहे हैं, आपके व्यापार में आप अपनी वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो आपको अगर दिख रहा है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो ये देखना ज़रूरी है इस भाग्य रेखा में कि कहीं आप जन्म स्थान पर ही तो नहीं हैं। अगर आप जन्म स्थान में तो ये भाग्य रेखा ज़्यादा असर अच्छे नहीं दे पाती है। इस भाग्य रेखा का सीधा कहना है कि आपको दूसरों के सहयोग, साथ, प्रोत्साहन से आगे बढ़ना है, दूसरों को लेकर के आगे बढ़ना है। इसीलिए सबसे कठिन काम ऐसे जातकों को घर छोड़ना ही होता है। अपने काम के सिलसिले में अगर ये अपना घर छोड़ते हैं तो इनका भाग्य इतना मजबूत होता जाता है जिसके कारण धन बहुत अच्छा आना, अपने बहुत चाहने वाले लोगों का मिल जाना, साथ जो आपका दे, आपको रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शक आपके बने, ये सब आपके जीवन में जुड़ना शुरू करते हैं जो आपकी योग्यताओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मजबूती देते हैं। तो इस तरह की भाग्य रेखा में 99% केसेस में जन्म स्थान से दूर ही तरक्की मिलता है, इसीलिए जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योगों में भी यह बहुत महत्वपूर्ण रेखा मानी गई है। इसके बाद में अगर आपके चंद्र के क्षेत्र पर छोटी छोटी दो तीन इस तरह से आड़ी रेखाएं देखने मिले, वो चाहे एक हो या चार हो, तो ये भी तमाम तरह की यात्रा को दर्शाता है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट ये रेखा नहीं देता है। चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौकीन बनाती है। ऐसे जातक नई नई चीज़ें सीखना, जानना, देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो जातक रिसर्चर होते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, नए नए तरह के काम करना पसंद करते हैं, नए नए जगह जाना पसंद करते हैं, तो ये रेखा देखने को निश्चित मिलती है। ये रेखा आपको विदेश यात्रा
बहुत ज़्यादा करा सकती है। जहाँ मन हो वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जन्म स्थान से दूर रसना बसना ही है तो जीवन रेखा का बाहर की तरफ झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह की अगर रेखा है तो किसी भी तरह के मकसद के कारण आपकी यात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में आप पा रहे हैं कि ट्रायंगल जैसा साइन बन रहा है या रेखाओं के अनुकूल होकर के स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि आपकी नौकरी जन्म स्थान से दूर लगेगी, आपका व्यवसाय जन्म स्थान से दूर बढ़ने वाला रहेगा। एक जगह काम शुरू करेंगे वो 10 जगह फैलने वाला रहेगा। ऐसे जातक के जीवन में ट्रायंगल हो या स्क्वायर सूर्य पर, वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इनका कनेक्शन बहुत सारे सिटीज़ मल्टी सिटीज़ का वर्क होते हुए देखने को मिलता है, इसलिए इनके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं। देश विदेश तक के कनेक्शन ऐसे जातकों को देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर जब भी आप देखें कि मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी हो या नीचे की तरफ झुके या ऊपर की तरफ जाए, लेकिन आपकी जो चंद्र की भाग्य रेखा है वो यहाँ मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाए, तो ये दर्शाता है कि आपका सारा भाग्य आपके निर्णय पे रुका हुआ है। आपको निर्णय लेना है कंफर्ट जोन के बाहर जाने का, नया काम शुरू करने का, अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करने का। तो ऐसे जातकों के जीवन में फिर सारे काम जितने रुके हुए हैं सब एकाएक बनना शुरू होते हैं और भाग्य रेखा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तो ये अगर आपके राइट या लेफ्ट किसी भी हथेली में बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका सर्वाधिक लाभ विकास जन्म स्थान से दूर है। उम्र की अब जहाँ तक बात करेंगे तो जब भी इस तरीके से बायफोर्क दिखे या बाहर की तरफ रेखा दिखे या चंद्र की रेखा दिखे, आपको सिंपली इतना देखना है कि आपके लाइफ लाइन से सक्सेस लाइन कब निकल रही है। लाइफ लाइन हुआ, अन्यथा आपकी माइंड लाइन से सक्सेस लाइन कब निकल रही है, ये जिस भी उम्र में निकलेगी उस उम्र में सर्वाधिक लाभ आपको बाहर जाने से मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें विदेश यात्रा के विषय में। ज़रूर बताएं कौन सी रेखा है आपके हथेली में, किस तरीके का लाभ आप देख रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।